हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आप सभी ने मैजिक किचन ऑफ कृष्णा को बहुत सारा प्यार दिया है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, और बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। हम लाते हैं आपके लिए ढेरों अमेजिंग डिलीशियस इंडियन रेसिपी, क्वांटी रेसिपी एंड फ्यूजन रेसिपी। तो अच्छी अच्छी रेसिपी देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी रेसिपी आए सबसे पहले आपके लिए आए। आपके भरपूर प्यार के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। यूं ही बने रहिए, यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कौन सी रेसिपी, चलें देखते हैं वीडियो में और बनाते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो चलें बनाएं आज की रेसिपी। बेसन के लड्डू सबके फेवरेट है ना? तो बेसन के लड्डू, वो भी देसी घी में बने हो तो क्या कहना। आज हम बिल्कुल इजी रेसिपी आपको बताने वाले हैं। मार्केट से भी अच्छा बेसन का लड्डू आप घर पे बना सकते हैं। बेसन के लड्डू स्पेशली बहुत सारे ओकेजन में बनाए जाते हैं। बहुत सारे ओकेजन में ये देसी घी के लड्डू भगवान के प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। तो इस प्रसाद वाले लड्डू को क्यों ना हम घर पे बनाएं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। बिल्कुल मार्केट जैसा दानेदार बेसन का लड्डू, वो भी बारीक बेसन के से हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम शेयर करेंगे ये स्पेशल लड्डू जो कि बहुत सारे ओकेजन में आप बना सकते हैं। चलिए ना साथ में बनाते हैं ये डिलीशियस दानेदार बेसन के लड्डू देसी घी में, बहुत सारे ओकेजन के लिए, पूजा के लिए और बहुत सारे फंक्शन के लिए जरूर बनाइएगा ये स्पेशल लड्डू। स्पेशल बेसन के लड्डू, इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है देसी घी 150 ग्राम। 150 ग्राम हमने लिया है बेसन, ये बारीक बेसन है। 150 ग्राम हमने लिया है कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर ना हो तो आप पीसी चीनी भी ले सकते हैं। तो ये स्पेशली तीन इंग्रेडिएंट है जो कि हमें जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 150 ग्राम देसी घी, मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम ऐड करेंगे बेसन, और फ्लेम को रखना है बिल्कुल लो। ऐड कर देंगे बेसन, घी अच्छे से मेल्ट हो गया तो बेसन ऐड करने के तुरंत बाद इसको अच्छे से चलाना स्टार्ट कर दीजिए। और अब इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करनी है लो हीट पर, बिल्कुल लो हीट है, और लो हीट पे ही इसको धीमे धीमे भुनना है, तब तक जब तक कि घी अच्छे से सेपरेट ना हो जाए और प्लस इसमें से बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू ना आ जाए। तो जब देसी घी में बनता है तो प्योरिटी तो होती है और बहुत रिच भी बनता है। तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए जब भी हम बनाते हैं तो देसी घी में ही बनाते हैं। ध्यान रखें कि मोटे तले का बर्तन लीजिएगा, तला मोटा होना चाहिए ताकि जले नहीं, और धीमे धीमे आप इसको भूनते रहिए। देखिए बबल्स आप देख सकते हैं, ये बबल साइन है कि जो बेसन है वो अच्छे से भून रहा है। देखिए बेसन जलना नहीं चाहिए, लगातार चलाएंगे, लगातार चलाते हुए पकाना है तब तक जब तक कलर चेंज नहीं होता और प्लस जो है अच्छी सी सौंधी सी बेसन के भुनने की खुशबू नहीं आ जाती। तो भुनते रहिए। देखिए घी सेपरेट होने लगा है, अब देख सकते हैं कि घी अच्छे से सेपरेट हो रहा है।
लगातार चलाते रहिए, बिल्कुल लगातार चलाना है ताकि कहीं भी ये चिपके नहीं। फ्लेम हमें लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, लो हीट पे ही इसको अच्छे से भुनना है। बहुत अच्छे से खुशबू आ गई है यानी भुन गया है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा पानी लिया है और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करते ही आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, जाली बनने लग जाएगी। अब इसको लगातार चलाते रहिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पानी ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि बेसन दानेदार हो जाता है, घी अलग हो जाता है और ये बिल्कुल सिमटने लगता है। इसको लगातार चलाते रहिए। अब देखिए ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया, फ्लेम हमने बंद कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और बेसन जो है हमारा वो दानेदार हो चुका है। अब इसको फ्लेम से हमें उतार लेना है, बिल्कुल ही फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे क्योंकि बर्तन गर्म है तो उसी में ये अच्छे से सिकता रहेगा। देखिए अच्छे से मिला दिया हमने। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 150 ग्राम कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर ना हो तो आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं। अब ये जो मोटे मोटे है कैस्टर शुगर, इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी गर्म है इसलिए हम हाथ नहीं लगा रहे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम हाथ से इसको मिक्स करेंगे और बनाएंगे लड्डू। तो तैयार हो चुका है, बस 3 ही इंग्रेडिएंट लगते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया कैस्टर शुगर और अभी भी ये गरम है और गरम में ही हमें बांधना है। तो लड्डू बांध लेते हैं। साइज आपके मनपसंद की आप बना सकते हैं, हम जो नॉर्मल साइज है, मीडियम साइज है, उसी साइज के लड्डू बना रहे हैं। बहुत इजी है, इसमें घी बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा तीनों चीजें इक्वल पोर्शन में आपको लेनी है, घी जितनी है उतना ही बेसन और उतना ही आपको कैस्टर शुगर लेना है। देखिए गोल गोल लड्डू बनकर तैयार है ना, बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल मार्केट जैसा। आप मार्केट से भी अच्छा कहूंगी मैं कि आप मार्केट से भी अच्छा आप घर पे बना सकते हैं, शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो आपकी कढ़ाई भी साफ होगी और अलग होगी, जिसमें आप प्याज लहसुन नहीं पका रहे हैं उस कढ़ाई में आप बना सकते हैं। बाजार में आपको पता नहीं कहाँ कैसे बनता है, आप घर पे अपने शुद्धि से बना सकते हैं। ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना है तो शुद्धि का ध्यान रखना होता है, तो क्यों ना आप घर पे बनाए, देसी घी से बनाए। बाजार में जरूरी नहीं है कि देसी घी से ही आपको मिलता हो, तो आप घर पे बनाए तो शुद्ध घी से बनाए भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद। ये टेस्टी भी होगा, हेल्दी भी होगा और बहुत जल्दी बन जाता है, इसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बिल्कुल बहुत अमेजिंग बनता है ये लड्डू, हर ओकेजन में आप बना सकते हैं, चाहे गणेश चतुर्थी है, पूजन है, किसी भी तरह की पूजा है, दिवाली है, आप ये लड्डू अपने घर पे बना सकते हैं देसी घी में। देखिए कितने अच्छे से बना है और बहुत ही परफेक्ट बना है लड्डू, है ना। तो हम बना लेते हैं सारे एक एक करके लड्डू। देखिए सारे लड्डू बना लेंगे, बहुत कम वक्त लगता है। जितना हमने इंग्रेडिएंट लिया है उसमें 7 से 8 लड्डू बन जाते हैं। साइज पे डिपेंड करता है, आप जितना बड़ा साइज छोटा साइज आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग लड्डू बन जाते हैं। तो देखिए लड्डू हमारे बन के रेडी हैं। अब इसको डेकोरेट कर सकते हैं कैसे भी, जैसे आपको पसंद हो। आप गुलाब की पंखुड़ियां भी लगा सकते हैं, आप इसमें पिस्ता भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें मेलन सीड्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको सिल्वर वर्क से भी सजा सकते हैं, चांदी का वर्क आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से चांदी का वर्क लगा सकते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाना हो तो इस तरह से लड्डू आप बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। हर बार ये लड्डू बिल्कुल टेस्टी बनते हैं। जब भी मन करे आप बस बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से आप बना लीजिए, गुलाब की पंखुड़ी से सजाइए या फिर चांदी के वर्क से सजाइए, दिवाली पर बनाइए या फिर आप गणेश चतुर्थी पे बनाइए या जन्मदिन पर बनाइए, ये लड्डू हमेशा बहुत ही टेस्टी डिलीशियस होंगे। और गणेश जी को तो लड्डू, बेसन के लड्डू बेहद प्रिय है। तो चलिए जल्दी से बना लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना? अच्छे लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, छुपके छुपके चले जाते हैं, उनसे निवेदन है
सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, बनाते रहिए डिलीशियस अमेजिंग रेसिपीज। और यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बना पाए ये डिलीशियस रेसिपी। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना प्यार बरसाते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपके लिए, लेकर आएंगे नई रेसिपी। आप बनाइए हमारी आज की रेसिपी और हम चलते हैं लाने के लिए आपके लिए और डिलीशियस रेसिपीज। तो टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। जय भारत।